नमस्कार दोस्तों, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागतम। दोस्तों, आज हम तीन टाइप का सिंगोनियम लेके बात करेंगे। देखिए, मेरे पास तीन टाइप के सिंगोनियम है फ्रेंड, जो हम कटिंग से तैयार किए हैं। ये देखिए, एक टाइप का, ये दो टाइप का, ये तीन टाइप का, ये अलग टाइप का है फ्रेंड। ये जो है ना, ये देखिए, इसका पत्ते अलग टाइप का है। तो यही इन्हीं लोग को लेकर के हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसका तो बहुत मदर प्लांट सब अलग जगह में है फ्रेंड, लेकिन प्यारा लग रहा है फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड, इसका पत्ते देखिए अलग टाइप का है। इसका डिजाइन देखिए, ये देखिए, इसका डिजाइन देखिए, इस तरह है। ये देखिए, इसका डिजाइन इस टाइप का है और इसका डिजाइन ऐसा है। इसका अलग है और ये तो अलग ही है, इसका कुछ कहना नहीं है। ये दोनों में क्या फर्क है वही दिखा रहे हैं। तो इसको बस कटिंग से अगर हरा हरा रखना है फ्रेंड, इस तरह कटिंग करके हम कोई भी प्लांट में, कोई भी चीज में लगा सकते हैं। देखिए, हम कैसे में लगा के रखे हैं, ऐसे बड़ा बड़ा पॉट में है फ्रेंड, उसको हम इधर उधर कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा छोटा छोटा पॉट में लगा के रखे हैं तो सुंदर लगेगा, इसीलिए कि कहीं भी रख सकते हैं फ्रेंड। देखिए कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप लोग सिंगोनियम तो कहीं खरीदना नहीं पड़ता फ्रेंड, कहीं भी मिल जाता है फ्रेंड, कहीं भी मिल जाता है। ये तो रास्ता में निकालने से पता चल जाता है, इधर उधर दिखता है। एक थोड़ा सा छोटा सा एक कटिंग ले लेंगे ना फ्रेंड, तो ये बहुत सारे हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम कटिंग से अभी कटिंग नहीं करेंगे, या बाद में करेंगे फ्रेंड। आपको दिखा रहे हैं सिर्फ हम कि इसको कटिंग से हम लगाए हैं, और कटिंग से तुरंत देखिए, बारिश हुआ तो तुरंत इसका बेल निकल गया और रूट भी निकल आया है। देखिए फ्रेंड, ये भी इसमें भी एक ही हम लगाए थे। देखिए, एक कौन सा देखिए, फेंका हुआ चीज में लगाए हैं, लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है देखिए फ्रेंड। और इसका बगल में देखिए, ये हम काट के लगाए थे, ये भी देखिए लग गया है फ्रेंड। देखिए, ये भी टूसा लगाए थे, ये लग गया। और इसमें देखिए फ्रेंड, इस नेल जो है ना, बहुत तंग करता है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, ये भी एक मिठाई का डब्बा है, उसी में लगाए हैं। और देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसी तरह आप लोग कोई ना कोई छोटा छोटा पॉट में लगा के गार्डन में रखेंगे तो हरा हरा लगेगा देखने में, कितना प्यारा प्यारा लगता है। देखिए फ्रेंड, फूल के लिए तो अलग ही बात है, लेकिन हरा भरा रखने के लिए ये बहुत खूबसूरत है फ्रेंड। ये सब आप लोग लगा सकते हैं, ये सब फ्री मेल मिलता है फ्रेंड, ये तो खरीदने का जरूरत नहीं है। ये भी देखिए फ्रेंड, ये भी कटिंग से हम, ये मिठाई का डब्बा है, इसमें लगाए हैं। थोड़ा बरसात कम होगा तो कलर कर देंगे इसका पॉट सब को, हम कलर ला के रखे हैं और इसको लगाएंगे और सुंदर लगेगा इसका पॉट सब, कलर कर देंगे। अभी बारिश है बोल के नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसका मिट्टी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है मिट्टी के लिए, बस अब कोई भी मिट्टी में अब लगा देंगे ना फ्रेंड। ये सिंगोनियम ऐसा चीज है, इतना हार्डी प्लांट है, ये कोई भी मिट्टी में ये तैयार हो जाता है, ये लग जाता है। सिर्फ मिट्टी और थोड़ा बहुत गोबर खाद डाल देंगे फ्रेंड, उसमें भी हो जाता है। और आपके पास किचन वेस्ट का तो बहुत सारे कचरा से बनाते ही हम लोग आजकल बहुत सारे खाद बनाते हैं, वो थोड़ा मिट्टी में मिक्स कर देंगे, वो भी चलेगा फ्रेंड। तो और थोड़ा बहुत अगर आपका मिट्टी अच्छा है तो उसमें थोड़ा सा बालू मिक्स कर, माने बालू मिक्स किया हुआ नहीं है, अगर काला मिट्टी है उसमें थोड़ा सा बालू मिला दीजिए, थोड़ा सा रख मिला दीजिए, थोड़ा सा गोबर खाद मिला दीजिए, बस उतना ही में ये हो जाएंगे। इसको धूप में थोड़ा सा इनको परहेज करना पड़ता है, नहीं तो आजकल का धूप तो ये बर्दाश्त कर लेता है फ्रेंड, लेकिन जब ज़्यादा धूप होता है मई जून का, वो ये
पत्ता इसका जो है ना जल जाता है, इसको छाया में रखना पड़ता है, और नहीं तो 12 महीना ऐसे ही चलता है। कितना प्यारा लगता है सिंगोनियम फ्रेंड, ये सब खरीदने के लिए अगर जाएंगे तो महंगा पड़ जाता है यार, कहीं से जुगाड़ करेंगे फ्रेंड, किसी दोस्त किसी का घर जाते हैं, रास्ता घाट में भी ये सब पड़ा रहता है फ्रेंड, बहुत मिलता है। फ्रेंड ये देखिए हम और कुछ काम किए हैं, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे कुछ कटिंग किए हैं, देखिए कटिंग सबको लगा के ही रखे हैं, और देखिए एक एरेलिया का कटिंग किए हैं, ये भी लग गया है, और देखिए यहाँ जो है ना ऑरेंज कलर का ये गुड़हल है, उसको हम कटिंग करके रखे हैं फ्रेंड। और फ्रेंड मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड ये भी बारिश लग गया तो देखिए इसका पत्ते जलने लगा है फ्रेंड, इसको बारिश भी नहीं ज्यादा पसंद है, इसको हम कितना मुश्किल से बचाए हैं फ्रेंड। हम एक पेट्रोल पंप में तेल ले रहे थे हम लोग, उसी जगह से इस मांगे थे हम, तो हमको मिला था, या देखिए कितना प्यारा लगता है, ये लंबा नहीं होता ये शॉर्ट रहता है फ्रेंड। और ये भी देखिए ड्रेसिना, ये भी कलर वेरिकेटेड है, कितना प्यारा है देखिए ये, और ये भी देखिए कितना प्यारा है। तो फ्रेंड मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, आपका लोग का कमेंट से हम बहुत खुश रहते हैं फ्रेंड, आप लोग कमेंट करते हैं मेरे साथ देते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नए दोस्त पुराने दोस्त जितना भी है सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फ्रेंड, आप लोग का चलते आप लोग साथ दे रहे हैं बोलकर हम यहाँ तक पहुँच। फिर WT मेरा काम है फ्रेंड, मेरे साथ दीजिएगा, मेरा फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड, देखिए फ्रेंड यहाँ पे कितना अच्छा एक फूल खिले हैं, सारे मेरा बहुत अच्छा चल रहा फ्रेंड। फिर लास्ट में थोड़ा सा दिखा देते हैं फ्रेंड मेरा प्यारा सब फूल जो खिले हैं, ये देखिए यहाँ प्यारा प्यारा फूल खिले हैं। थैंक यू फ्रेंड।